मम्मी बढ़िया है, बैठी हैं, कुल्हड़ का चाय पी रही हैं मजे से। वेलकम गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं रीवा। मैंने अलग से ऑडियो रिकॉर्ड किया है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और ये टाइम लैप्स में रिकॉर्ड हो गया। तो आज हम लोग जा रहे हैं रीवा, फुल ऑन करेंगे फन। दरबार आज पता नहीं क्या हो गया, मेरा गोप्रो थोड़ा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। अभी घर से निकले सिर्फ 5 मिनट नहीं हुआ है, सबको भूख लग गई, तो ये भी ठीक है, खा लेंगे आराम से, फिर रास्ते में कहीं रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रीवा निकल जाएंगे। कहीं पे थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जाता हूँ चाय वाय पीने। और वैसे भी फिर यहाँ के बाद यहाँ की कचौड़ी कहीं और भी तो नहीं मिलेगी ना सिंगरौली गाइस, यू नो इट, यहाँ की कचौड़ी कहीं और नहीं मिलती। एक नंबर कचौड़ी और सब्जी, यहाँ पे कचौड़ी और सब्जी मिलती है, बहुत बढ़िया। मम्मी बढ़िया बैठी हैं, कुल्हड़ का चाय पी रही हैं मजे से। अंकू भी होती तो मज़ा आता ना मम्मी। अंकू तुम्हें होना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं है, डायरेक्ट घर ही आ जाना अगर आप आना तो। मम्मी आपको कितने साल हो गया सिंगरौली में? 30 साल। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ अच्छा, मतलब दादी के घर में या फिर नानी के घर में या फिर सिंगरौली के? राधा मसी मम्मी देख आप देख रहे हो ना राधा मसी आप देख रहे हो ना दादी क्या अच्छा लगता है। दोनों लोग ऐसा बात करते हैं अंदर कोने कोने में घुस घुस के। फर्स्ट स्मॉल ब्रेक, बहरी पहुंच गए हैं हम, रीवा सीधी होकर नहीं जा रहे, इधर से जा रहे हैं, ये थोड़ा पहाड़ी इलाका, शॉर्टकट पड़ेगा अगर टाइम मिला तो। ये देखो मम्मी को उतरने में कितनी समस्या, चप्पल देखो इनकी चमकीली चमकीली चप्पल रहती है तो ये दिक्कत तो होगी। उधर से स्मॉल ब्रेक हुआ है अभी छोटा सा, मैं बात बता रहा था और बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया था इसलिए फिर से क्लियरिफाई करता हूँ। जब भी हम लोग नानी के घर जाया करते थे ये वही जगह है जहाँ हम लोग रुकते थे, जैसे ये बस रुकी है इसी में हम लोग जाया करते थे। उस टाइम पर तो इतनी खतरनाक बसेस चला करती थी यार और रास्ता इतना ख़राब होता था, लेकिन हाँ ये है कि नानी के घर पहुँचने का जो एक्साइटमेंट था ना वो नेक्स्ट लेवल था और आज फिर से वही एक्साइटमेंट है। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, यहाँ पर आ जाएगा लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नॉस्टैल्जिया हो गया, मज़ा आ गया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बचपन हो गया, यहीं में वॉक करता था, यहीं पे समोसा खाया करता था, आज बताओ इतने सालों बाद वापस इस मार्केट में। और पता है यहाँ से जैसे ही आगे आप जाओगे ना तुरंत पहाड़ लग जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कुछ कोशिश करूँगा कुछ अच्छे सिनेमैटिक्स ले पाऊँ, पहाड़ों के सामान रख देता हूँ गाड़ी में, पहले मम्मी जहाँ रुकती वहीं सामान खरीद लेती हैं। खाना भी यहीं खा लिया, कंप्लीट कर लिया सारा कुछ बाहर, अब आगे जाके कौन रुकता, टाइम वेस्ट होता। पापा ने कहा खाना खा ही लेते हैं और खाना खा लिया, मज़ा आ गया। अब आगे के सफ़र में जो मज़ा आने वाला, मैं आगे बैठूंगा, पापा को बोलूंगा मेरे को आगे बैठना है, आगे के सफ़र में जो मज़ा आने वाला है ना वो अभी आप देखोगे। तो चलते हैं फटाफट, बस मम्मी पापा का खाना कंप्लीट हो जाए निकलते हैं। अब हम लोग फिर से निकल गए हैं पहाड़ों के बीच में है, जिस ढाबे पे हम खाना खा रहे थे मम्मी वहाँ पे कहती हैं, उधर से घूम के आके कहती कि अच्छा हुआ वहाँ पे खाना खा लिया, बेचारे छोटे छोटे वहाँ कोई था नहीं, वहाँ पे खाली था, तो मम्मी कहती अच्छा हुआ खाना खा लिया, उसका भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा लगा। कोस्टर राइड भाई, जो हाईवे पे मतलब बहुगंज के बाद जो हाईवे पे भैया ने चलाई है ना, मतलब ऐसा गोल 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 मज़ा आ गया। अभी फिर रुके हैं, मम्मी फिर शॉपिंग करने के लिए तैयार हैं। और वैसे एक और बात बताता हूँ, ये मनीगवा है, यहाँ से मेरा घर 18 किलोमीटर अंदर गांव में है और ये बहुत ही सटीक जगह है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये जगह। हाँ वो भैया कर देंगे और मम्मी फिर से शॉपिंग करने के लिए तैयार, मैं आगे जाके एक चाय पीऊँगा उसके बाद घर जाऊँगा। अब से जो कम से कम 50 या 60 सेकंड 1 मिनट का जो वीडियो आएगा वो ज़रूर देखना, क्योंकि गांव की कुछ अच्छी वाली झलकियाँ दिखाऊंगा। गाड़ी ऑलरेडी स्लो चलाने के लिए बोला मैंने ड्राइवर वाले भैया को, तो मिलते हैं रास्ते में फटाक से और फिर जब गांव पहुँचेंगे तब मैं ब्लॉग का एंड करूँगा।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर एंड उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, ये सारी जर्नी पसंद आई होगी। बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे मिलना है मुझे, बाकी का आप अगले वाले व्लॉग में देखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, गिव योर लव सपोर्ट एंड अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।